सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मसीह लोगों के लिए इसराइल क्यों मायने रखता है और ईसाई इसराइल का समर्थन क्यों करते हैं? एक, यीशु का जन्म इसराइल में हुआ था। दो, मरियम और यूसुफ इसराइल से थे। तीन, यीशु को इसराइल में बपतिस्मा दिया गया था। चार, यीशु ने इसराइल के जंगल में 40 दिन तक उपवास किया। पांच, यीशु ने इसराइल में पहाड़ी उपदेश का प्रचार किया। छह, यीशु के 12 प्रेरितों में से सभी इसराइल से थे। सात, यीशु के सभी चमत्कार इसराइल में किए गए थे। आठ, यीशु का अंतिम भोज इसराइल में हुआ। नौ, यीशु का विश्वासघात इस्राएल में हुआ। इस्करियोत यहूदा ने यीशु का विश्वासघात इस्राएल में किया था। दस, यीशु ने इस्राएल में प्रार्थना की, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। ग्यारह, ईसा मसीह को इस्राएल में सूली पर चढ़ाया गया था। बारह, यीशु की मृत्यु इस्राएल में हुई। तेरह, यीशु को इस्राएल में दफनाया गया था। चौदह, इस्राएल में यीशु मृतकों में से जी उठे। पंद्रह, यीशु इस्राएल से वापस स्वर्ग पर उठा लिया गया। सोलह, पवित्र आत्मा पहली बार इस्राएल में पेंटिकॉस्ट पर उंडला गया था। सत्रह, चर्च का जन्म इस्राएल में हुआ था। अठारह, कलेशिया के पहले उपदेश इसराइल में प्रचारित किए गए थे। 19, प्रेरितों के पहले चमत्कार इसराइल में किए गए थे। 20, पहला बपतिस्मा इसराइल में हुआ। 21, सुषमाचार प्रचार के लिए पहले मिशनरियों को इसराइल से भेजा गया था। 22, जब यीशु लौटेंगे तो वो इसराइल में लौटेंगे। 23, ईसाई धर्म का जन्मस्थान इसराइल है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।